साथियों नमस्कार, मैं अनूप कुंडू एक बार फिर से द रिपोर्टर अनूप कुंडू के पेज यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक रिपोर्टिंग का मुद्दा लेके आपके सामने रूबरू हूं और रिपोर्टिंग का मुद्दा किसान आंदोलन से जुड़ा है, रिपोर्टिंग का मुद्दा लॉकडाउन से जुड़ा है। जिस प्रकार से अभी 16 मई को हिसार में एक वाकया गुजरा, उसके बाद लगातार किसानों की बैठकें हुई, मीटिंगों का दौर चला और महापंचायतें हुई और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया कि 24 मई को हिसार में कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। और इस घेराव में सिर्फ हिसार के किसान नहीं, उनके साथ जुड़ते अलग अलग जो ज़िले हमारे हैं, 5-6 ज़िलों के लोग हैं, किसान हैं, उन सबको वहां पर बुलाया गया है। तो इसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं प्रशासन भी हरकत में है। इसके बाद हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और हिसार के SP कम DIG बलवान सिंह राणा किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन वो मुलाकात सिरे नहीं चढ़ पाई। आज के इस रिपोर्टिंग के मुद्दे में हम बातचीत करेंगे कि प्रशासन की बात मानने से किसानों ने क्यों इनकार कर दिया, क्या प्रशासन की मंशा पर किसानों को विश्वास नहीं है या प्रशासन किसानों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहा। इससे पहले हम इस रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाएं, मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो किसान आंदोलन से बातचीत करने के लिए प्रशासन पहुंचा था। ये जानकर मुझे बहुत ही दुख है, जिला प्रशासन की ओर से हमें बहुत खेद है कि महिलाओं पे भी इस तरह की वीडियो दिखाई गई है। एकदम से जो मेल कांस्टेबल है उनके द्वारा पिटाई की गई है, वो बहुत ही गलत है। जो और भी हमारे बंधु हैं उन पे जिस प्रकार से आपका वर्जन है कि अत्याचार हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन केवल एक तरफा चलता है, प्रशासन दोनों तरफ से बैलेंस करके चलता है। जो आपकी शिकायतें हैं और जो आपकी ग्रीवेंसेस है कि जिस ढंग से इस पूरे मामले को 16 मई को हैंडल किया गया, कि आपका जो कहना है, जो आप वीडियो दिखा रहे हो कि कुछ पुलिसकर्मी के हाथों में पत्थर थे, आप लोगों को इस बात का पता नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके हैं, ये सब मैं समझती हूँ। कहीं ना कहीं हमारे बीच जो कम्युनिकेशन का गैप है, संवाद खत्म जब होता है तब ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहली तो मेरी आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आगे जो आप 24 तारीख की कॉल है, जो प्रशासन के साथ आपका संवाद है, उसे आप जारी रखें। आपकी जो 24 तारीख की कॉल है उसके लिए जो आपके कमेटी है उन लोगों के नाम और नंबर हमें दे दिए जाएं, और वो लोग ऐसे हो जो कि जिम्मेवार हो। जैसे कि पिछले भी आंदोलन में जब IG साहब के घर पे मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी कुछ एक का ये कहना था कि कुछ एक नौजवान साथियों ने कुछ एक कर दिया, वो हमारे काबू में नहीं थे। चाहे वो काबू में हो या ना हो, जिम्मेवारी तो जो पूरा आंदोलन आप चला रहे हैं अल्टीमेटली आपकी बन जाती है। जिस प्रकार से पुलिस का कोई कर्मी कुछ भी करता है तो पुलिस प्रशासन की वो जिम्मेवारी डेफिनेटली बन जाती है। वो सही ढंग से अनुशासन में रहकर अपना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। हम आपके आंदोलन करने के अधिकार का सम्मान करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करिए। हम जो भी हमसे भी व्यवस्थाओं का सहयोग बन पाएगा हम वो भी करेंगे, परंतु यदि वो कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न करता है, जैसे कि पिछली बार हुआ कि कुछ एक लोगों ने ट्रैक्टर से या जो स्कूल के अंदर हॉस्पिटल बना था उसको वेंडलाइज करने की मंशा से उसमें घुसने की या कुछ ऐसी बात की, अब ये एक जांच का विषय है। आप कहते हैं कि नहीं हुई है, कुछ कहते हैं हुई है। इसका जो आपके भी जो जो मुद्दे आए हैं, जो सुमन जी उस दिन का बता रहे हैं, अनु जी बता रहे हैं, सभी शमशेर जी बता रहे हैं कि इस ढंग से हमारे साथ आप बीती हुई है, इसका जो सबसे बढ़िया हल है आप लोगों की संतुष्टि के लिए हम एक इंक्वायरी इसमें डिटेल करा लेंगे। और जो कि यदि आपको यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन पे भी नहीं है विश्वास, हम बाहर की इवन हिसार रेंज के भी जो बाहर की वहां पे करा सकते हैं, और उसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको भी हम जोड़ा जा सकते हैं, ताकि ये जो पूरा मामला हुआ है हम उसकी निष्पक्ष रूप से जांच कर सकें, दूध का दूध पानी का पानी उसमें कर सकें।
इससे जो आप लोगों की एक एक बात है, जो भी आपकी वीडियो है, जो भी आपके पास साक्ष्य है, वो सारे ये SIT देखेगी, उनको भी एनालिसिस करेगी, जो दूसरी तरफ से उनको भी एनालिसिस करेगी। और एक ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसका एक कानूनी ढंग से, एक लीगल तरीके से, जिस प्रकार से हम इसका हल निकाल सकते हैं, उस प्रकार से ये एक सिक्वेंशियल एड पे पहुंच सकेगा। दूसरी बात, जो ये FIR की बात है, ये ऐसा नहीं है कि केवल हिसार में हुई है, कुरुक्षेत्र में जब हुआ था, कुरुक्षेत्र में भी हुई थी FIR, हुई है ना कुरुक्षेत्र में भी, उसके बाद में भिवानी में हुआ है, भिवानी में भी हुई है, रोहतक में हुआ है, रोहतक में हुई है। अब देखिए, हम जो बैठे हुए हैं, और आप में से भी कई लोग सरकार से रिटायर्ड हैं, अगर नहर का पानी चोरी होगा तो FIR तो उसमें होगी ही होगी, अगर पंचायत का पैसा गबन होगा तो भी उसमें FIR तो होगी ही होगी। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है, तो सबके हाथ कानून की एक जो मर्यादा है उसका ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे किया गया है, इससे पहले जितने भी जिलों में हुआ है, सब जिलों में हुई है FIR। बता दो मुझे कोई सा ऐसा जिला जहाँ नहीं हुई, भिवानी में भी हुई है। तो दोनों साइड से होनी चाहिए, एक साइड पे तो नहीं। उसी के लिए तो मैं कह रही हूँ SIT गठित करेंगे, और यहाँ की नहीं, हिसार रेंज की भी मैं कह रही हूँ बाहर की टीम लाएंगे, और सिविल के भी अधिकारी उसमें डालेंगे, वो मैं कह रही हूँ आपको। आपकी भी जो बात आपने रखी है, जो आपकी, आप कहते हो कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, जो आप साक्ष्य दिखा रहे हैं, ये सही में बहुत, हमें भी बहुत दुख हुआ है इन्हें देख के कि इस प्रकार से महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए था। इसकी हम पूरी डिटेल करेंगे, जांच कराएंगे इसकी, और उसमें जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हम उसमें निकालेंगे अवश्य, फिर जो उसका निष्कर्ष निकलता है दोनों तरफ से ही वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वन साइडेड नहीं होगा। वो कह रहे हो कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो उसमें कल को ये ना हो कि जो आपका अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है वो कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, जैसे कि कोई लाल किले पे हुई थी, और उसके बाद में हमको पछताना पड़े। नहीं, ऐसी कोई घटना तो नहीं थी, लाल किले की घटना हमारी तरफ। उसको बिल्कुल साफ मन से, उसकी निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करा सकते हैं। जो FIR हुई भी है उसको भी सर, हम जो सिक्वेंशियल उसका एंड है, क्योंकि देखो कानून तो कानून के हिसाब से ही चलेगा ना, जैसे काम है काम के ढाले करे से होगा, ऐसे हम आज कहेंगे जी कल FIR रद्द कर दो तो वो जैसी गलत तरीके से लागू की है नहीं, उसी तरह गलत तरीके से काट, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से लगाई है उस तरीके से काट। ऐसा है, कल भाई की बात है, जो FIR की बात है, जो FIR की बात है, वो मैंने आपको बता दिया, जो कानून है वो तो कानून के हिसाब से ही चलेगा। ये ब्रीच ऑफ फेथ है, ये ब्रीच ऑफ फेथ नहीं है। मैं खुद भी उस दिन मीटिंग में थी, मैं खुद भी उस दिन आप सबके सामने थी, ये ब्रीच ऑफ फेथ नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कही जा सकती है, ब्रीच ऑफ फेथ नहीं है। उस दिन जो आपने तीन मांगे रखी थी, एक एक करके हर एक मांग पे चर्चा हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्रशासन का किसाना को गोली हुई थी, प्रशासन का मिसअंडरस्टैंडिंग होकर के केस थोप दिए गए, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है मैडम जी, प्रशासन को इसे गलतफहमी करके। आपने वीडियो देखी कि किस प्रकार से किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं के पास हिसार के प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने अपनी बात किसानों के सामने रखी, लेकिन किसानों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया, क्योंकि किसानों को विश्वास नहीं है कि जिस प्रकार से उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसके बाद वो प्रशासन पर किसी भी प्रकार का विश्वास करें। लेकिन इसको लेकर के हमने जब बातचीत की हिसार में वकील विक्रम मित्तल जी से, उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय रखी। कल जो प्रशासन ने किसानों के साथ मीटिंग की है, जिसमें DC साहब भी थे, SP साहब भी थे, उसमें एक तो DC साहब ने ये मान लिया है कि किसानों के साथ और ख़ास तौर पे महिला किसानों के साथ अत्याचार हुआ था, और ये भी प्रशासन ने माना है DC साहब ने कि महिला किसानों के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने जातियाँ की है। तो एक तो ये चीज़ मान ली है, और दूसरा उसके बाद वो कह रहे हैं कि SIT गठित कर देते हैं जिसमें कि पुलिस के हिसार रेंज से बाहर के अधिकारी होंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। पुलिस जो है हरियाणा के अंदर जो भी पुलिस है वो हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार से बाहर नहीं जा सकती। प्रशासन अगर इसमें निष्पक्ष ये चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो मेरा ये मानना है कि किसी जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए जो निष्पक्ष हो,
और वो कमेटी जांच करे, जुडिशियल इंक्वायरी अगर इसकी होगी तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सकता है। और इसके अलावा ये जो किसानों के ऊपर आपने पहले मुकदमा दर्ज कर दिया और किसान जो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं वो आज तक आप करना नहीं चाहते, तो उसमें इंक्वायरी का कोई औचित्य नहीं है। आप दोनों पक्षों को बराबर लेवल पर ला के फिर कोई इंक्वायरी होगी तो ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। और बराबर पे लाने का ये है कि आप बाकायदा अनाउंस करो कि ये जो FIR दर्ज की गई है इसको हम स्टे करते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जिस ढंग से 307 का मुकदमा बनाया गया है, किसी भी तरीके से कोई भी पुलिसकर्मी आज तक ऐसा इंजर्ड दिखाई नहीं देता जिसका कि 307 का मुकदमा बनता हो। 307 का मुकदमा बिना मेडिकल ओपिनियन के लगाया नहीं जा सकता, और किसी भी नेता का ऐसा कोई भाषण नहीं है जो ये इंटेंशन शो करता हो कि किसी के ऊपर जान से मारने के लिए हमला कर रहे हैं। तो इसलिए 307 का मुकदमा बेवजह दर्ज किया गया है, और ये प्रशासन ने जो दर्ज किया है सिर्फ एंड सिर्फ लोगों किसानों को डराने के लिए किया गया है। और प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था बनाए। और दूसरी बात, जो किसान जो खट्टर साहब के ऊपर और प्रशासन के ऊपर जो कोविड के तहत मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं वो मुकदमा ज़रूर दर्ज किया जाए, और जिन पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है उनके को भी सस्पेंड करके कार्रवाई करी जानी चाहिए। आपने सुना कि हिसार के जाने माने वकील विक्रम मित्तल ने इस पर क्या बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ये बात मान ली गई है कि किसानों पर अत्याचार हुआ है, महिला जो किसान थी उन पर बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया है उसके बारे में भी इस बात का खुलासा हो चुका है। इसी पर अपनी राय रखी है हिसार के एक और अधिवक्ता हैं लाल बहादुर खोवाल जी, उनकी भी मैं आपको बातचीत सुनाता हूं कि उन्होंने इस प्रशासन की मीटिंग को लेकर के क्या कुछ कहा है। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करेंगे। ऐसा मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे माननीय उपायुक्त महोदय का बोलते हुए मैंने सुना, तो बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे उपायुक्त महोदय जी जो कि एक IAS ऑफिसर हैं और उनको सरकार के दबाव में आके मुख्यमंत्री के दबाव में आके इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। माननीय उपायुक्त महोदय जी बोल रहे थे अभी, वो कह रहे हैं कि ये ब्रीच ऑफ फेथ नहीं है, दूसरा वो कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है। बड़ी हैरानी की बात है, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, हमने वो लाइव देखा, जब वो मीटिंग हुई उस मीटिंग में हमारे किसान नेता वहाँ मौजूद थे और प्रशासन ने बाकायदा आपस में बैठकर एक सहमति बनाई कि जो दोनों तरफ से जिसको भी चोट लगी वो खुद अपना अपने हिसाब से करे। अब उन बेचारे किसानों को, भोले वाले किसानों को MLR करवाने से रोक दिया गया, उन्होंने अपने प्राइवेट तौर पर MLR कटवा ली, प्राइवेट तौर पर उन्होंने बेचारों ने इलाज करवा लिया, उन्होंने MLR नहीं कटवाई, उन्होंने डॉक्टर से रुका नहीं भिजवाया, वो आश्वस्त हो गए वे कोई बात नहीं। जब प्रशासन ने ये बोल दिया, हमारे किसान नेताओं ने भी ये आश्वासन दे दिया कि आप लोगों को MLR करवाने की जरूरत नहीं है, उनके साथ ये बहुत बड़ा एक ब्रिज ऑफ ट्रस्ट तो प्रशासन ने किया उनके साथ, और हम सुन रहे हैं ये शब्द माननीय उपायुक्त महोदय से ये बात सुन रहे हैं। तो इस तरह से किसानों के साथ ये खिलवाड़ करना, ये प्रशासन केवल और केवल पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऐसी भाषा बोल रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो ऊपर से गाइडलाइन मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना मत पब्लिक के सामने, किसानों के सामने रख रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है, ये किसानों के साथ धोखा है। SIT जो है जरूर कोई भी मैटर, कोई सेंस मतलब इस तरह का कोई मैटर होता है तो उसमें SIT गठित की जाती है, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, SIT में भी वही पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, ये कोई अलग से कोई CBI नहीं है। यहां तो भारतीय जनता पार्टी CBI, ED, इनकम टैक्स, क्या क्या बताएं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। ये तो केवल एक सिर्फ अलग से एक ग्रुप ऑफ पुलिस का बनाया जाता है, उसको SIT का नाम दिया है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ये कोई अलग से कोई एजेंसी नहीं है, उसी पुलिस के, उसी थाने के वहीं के लोग उस SIT में शामिल किए जाते हैं। तो इससे कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि SIT गठित करने का प्रशासन का मकसद सिर्फ एक है कि एक बार इन किसानों को संतुष्ट करवा दिया जाए, एक बार इनको ये कह दिया जाए भाई हम जांच कर रहे हैं,
और जांच के नाम पे फिर दोबारा हम हरासमेंट करेंगे। इवन हमने देखा है पहले भी कोई सामाजिक आंदोलन जब होता है पुलिस मुकदमे दर्ज करती है, आम जनता से कंप्रोमाइज करती है, उसके बाद बिना गिरफ्तारी के 173 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पुलिस बिना मुलजिम को गिरफ्तार किए कोर्ट में चलान दे देती है और फिर कोर्ट उनको समन करके तलब करके ट्रायल चलाती है और वो लोग बेचारे इसी तरह वो पूरा ट्रायल फेस करते हैं और वो जैसा भी जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको उन मुकदमों को भुगतना पड़ता है और वही काम अब ये पुलिस करने जा रही है। आपने वो वीडियो देखी जिसमें हिसार प्रशासन के जो अधिकारी हैं उपायुक्त एसपी किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे लेकिन वो बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। आपने हिसार के सीनियर वकील विक्रम मित्तल जी को सुना और उनके विचार आपने सुने, उसके बाद आपके जहन में क्या सवाल आता है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने दूसरे अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल को सुना, उसके बाद आज की रिपोर्टिंग का मुद्दा यही है कि क्या अब किसानों और सरकार के बीच या किसानों और प्रशासन के बीच कोई सहमति का रास्ता निकल सकता है या प्रशासन 24 मई को जो आंदोलन की रूपरेखा तय की है उससे पहले किसानों को मनाने में कामयाब होगा या फिर किसान 24 मई को घेराव करने के लिए हिसार पहुंचेंगे और उसको लेकर के क्या प्रशासन तैयारियां कर रहा है और क्या तैयारियां किसानों द्वारा की जा रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाला जो ये 24 मई का दिन है इसमें किसी प्रकार का टकराव ना हो, उससे पहले किसान आंदोलन के जो भी नेता हैं उनसे प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं उनको मुलाकात करके इसके बीच का रास्ता निकलना चाहिए और सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि 24 तारीख से पहले जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे वापस ले लिए जाए और उसके बाद जो SIT गठित करने की बात की गई है SIT गठित की जाए, उसमें जो भी निर्णय SIT का सामने आता है या जो जज से किसी रिटायर्ड जज से इस प्रकार की जांच की बात सामने आई है वो करवाई जाती है तो उसके बाद जो कमेटी का निर्णय होता है उसके बाद अगर किसानों पर कोई कार्रवाई बनती है तो वो की जाए और पुलिस अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर जो कार्रवाई बनती है वो की जाए, लेकिन उससे पहले किसानों पर जो मुकदमे दर्ज है उनको रद्द किया जाए और उसके बाद ये इंतज़ार किया जाए कि SIT अपनी क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि 24 मई का जो समय रखा गया है उससे पहले प्रशासन पहल करे और किसी भी तरह से किसानों पर ये जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस ले। एक और मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।